सभी को मेरा जोहार। उत्पादक समूह गांव के स्तर पर बना महिला किसानों का समूह है, जिनका उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों की आजीविका संबंधी कार्यों में मदद पहुंचाना है। झारखंड में MKSP परियोजना के तहत JSLPS के द्वारा इन उत्पादक समूहों का गठन किया जा रहा है। इनके माध्यम से महिला किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस उत्पादक समूह के बैठक में दीदी लोग अपने नए सदस्यों को इसके बारे में क्या बताती हैं। जोहार दीदी। जोहार दीदी। दीदी, ये क्या चीज का बैठक हो रहा है? दीदी, ये हम लोग उत्पादक समूह का बैठक कर रहे हैं। इसमें हम लोग खेती बाड़ी से संबंधित, पशु से संबंधित और कृषि का जो हम लोग लेन देन करते हैं उससे संबंधित हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, जिसमें गांव की महिलाओं और समूह की दीदियों को मिलाकर हम लोग यहाँ उत्पादक समूह का गठन किया जाता है। उत्पादन समूह में जुड़कर हम कुछ काम कर सकते हैं? हाँ दीदी, इसमें बहुत सारे काम हैं। जैसे हुआ, हम लोग का मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, फिर सुअर पालन हो गया। चाहे इसमें आप लोग कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं सामूहिक रूप से, जिसमें आप लोग होटल भी खोल सकते हैं, जैसे कि सब दीदी लोग उसमें काम कर सके। क्या हम भी उत्पादन समूह में जुड़ सकते हैं क्या? इसमें जुड़ने के लिए आपको 310 रुपया पंजीकरण हेतु देना होगा और एक आधार कार्ड का फोटो, जिसे जमा कर लिया जाएगा। उपकरण बैंकों द्वारा किसान को महंगे उपकरण उपलब्ध कराना, जिसे ज़्यादातर किसान नहीं खरीद पाते हैं। अगर कृषि कार्य हेतु किसी स्थान पर मजदूर की समस्या हो तो सामूहिक खेती करना। उत्पादन समूह से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है? इसमें बहुत सारा लाभ है। जैसे अभी हम लोग गांव घर में तो अभी बहुत ही जानकारी नहीं होती है, तो जैसे अभी इसमें बैठक में आती है तो इसे खेती बाड़ी के संबंध में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे हम जिस मौसम में किस फसल का उपजाव करें तो वो फसल अच्छा हो सकता है। ये पशु बीमार है तो उसका हम लोग दवा कराएंगे, उसके लिए पशु मित्र का चुनाव किया जाता है, कृषि मित्र का चुनाव किया जाता है। तो सबका अपना अपना कार्य रहता है, तो आगे हम लोग सबका यहाँ पर बातचीत डिस्कस भी करते हैं। उत्पादक समूह में हम लोग खेती से संबंधित उपकरण जो मिलते हैं वो हम लोग को यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और उचित मूल्य में मिल जाते हैं। बैंकों से भी जोड़ा जाता है, जिसे बैंक के माध्यम से हम लोग को जो खेती में जो उपकरण की जरूरत पड़ती है, जैसे धान का मशीन हुआ, वो सब हम लोग को उचित मूल्य में प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर जो हमें बीज प्राप्त होते हैं वो बीज हमें अच्छे दामों में भी मिल जाते हैं और अच्छे बीज भी हम लोग को मिल जाते हैं, जो कि खेतों में अच्छे से लगाया जा सकता है। अच्छा, हम अगली बैठक में 310 रुपये लेके आएंगे, मेरा नामांकन कर दीजिएगा। क्यों नहीं, जरूर कर देंगे, आपके आने से हम लोग को भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, धन्यवाद इतनी जानकारी आपको हमको देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए तो सारे दीदियों को भी जानकारी मिल गया साथ में। तो अभी आपने देखा कि उत्पादक समूह क्या है, यह कैसे कार्य करती है तथा इससे कैसे जुड़ा जा सकता है। उत्पादक समूह के अंतर्गत और भी कई तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे जन वितरण प्रणाली का संचालन, जहां उत्पादक समूह इसका लाइसेंस प्राप्त करता है तथा इसे केंद्रों को चला सकता है। साथ ही सामुदायिक बीमा का कार्य भी इनके माध्यम से उत्पादक समूह के द्वारा किया जा सकता है। सबसे पते की बात यह है कि गांव की उत्पादक समूह से जुड़ने के बाद स्वतः आप उस क्षेत्र की उत्पादक कंपनी का सदस्य बन जाते हैं, जो उस जिसके अंतर्गत उस समूह का गठन हुआ है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी उत्पादक समूह से जरूर जुड़े तथा उत्पादक समूह एवं उत्पादक कंपनियों से मिलने वाले फायदों का लाभ उठाएं। धन्यवाद।